आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। तो जी आज हम मूंग दाल पकौड़ा बनाएंगे, आपको उम्मीद है पसंद आएंगे। ये जी मेरे पास मूंग की दाल है, 1.25 कप मैंने दाल ली थी, तो इसको 2 घंटे भिगो के तो इसको मैंने पीस लिया है। बस पानी नहीं अभी मैंने ज़्यादा डाला, नॉर्मल ही है दाल, ज़रूरत पड़ी तो पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला और 3 टेबलस्पून चावलों का आटा है, 1 टीस्पून मेरे पास जी पीसी हुई मिर्ची है, 2 टीस्पून कुटी हुई, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून साबुत धनिया है। तो जी मिर्ची वगैरह आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसमें तकरीबन 7 से 8 ग्रीन चिली भी डालनी है। ये जी इधर मेरे पास अनारदाना, ग्रीन धनिया और प्याज है, तो हरी मिर्ची मैंने सेपरेट काट किया तो वो डालूंगी, इसके अंदर नहीं डाली जी। तो बस अब सारी चीज़ें इसमें ऐड करके उसको मिक्स करते हैं। इसमें मैंने एक चुटकी येलो फूड कलर भी ऐड कर दी है। तो जी ये हमारे स्पाइसी पकौड़े रेडी हो गए हैं, और हमें नमक मिर्च कम लगी थी तो मैंने इसमें नमक भी थोड़ा सा और डाला था, और मिर्ची भी आप लोग अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, और बाकी वैसे बहुत टेस्टी हैं जी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है जी कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो आप उस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।